नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर रामरथी हॉस्पिटल बड़ालगंज पर सड़क विधायक डॉक्टर एच एन सिंह पटेल द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती सैकड़ों मरीजों को फल वितरित किया गया। वह निःशुल्क मरीजों का चेकअप करके मुलायम सिंह यादव का सादगी के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सड़क विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र सरदेव नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव किसानों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े समाज के हक के अधिकार उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया। न्यायप्रिय राजनीति और समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी हूँ। शोषित वंचित पीड़ित और पिछड़े वर्ग के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। और क्या कुछ कहा सुनिए। परम श्रद्धेय नेताजी का आज जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बहुत ही सादगी तरीके से मनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि इस बार नेताजी का जन्मदिन सादगी तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें गरीबों को अगर संभव हो तो खून की व्यवस्था, ब्लड डोनेशन के रूप में फल वितरित करना, या अगर कोई पेशे से डॉक्टर हो तो निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराना उनका एक कह सकते हैं कि विजन था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज अपने रामरथी हॉस्पिटल बड़हलगंज में निःशुल्क मरीजों को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनको फल वितरित का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है।